हेलो स्टूडेंट्स आई कृणाल परमार वेलकम यू ऑल फॉर क्लास नाइन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर टेन ग्रेविटेशन टुडे इज़ द लेक्चर नंबर फोर ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर नंबर टेन ग्रेविटेशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमिन ऑफ फिजिक्स थ्रस्ट एंड प्रेसर नाव द टू साइंटिस्ट आर्किमिडीज एंड पास्कल You shown on the screen has work on this concept of thrust and pressure. For understanding of thrust and pressure, I have one example. Here, in first figure, you saw that a pin whose nail is not a sharp one is applied, and in second figure, a sap pin is applied on the wood box okay here when a blunt pin is applied force it does not go in the wood whereas a sharp pin goes into the wood with the same amount of force अगर यहाँ पे हम same amount of force apply करेंगे एक हमारे पास pin है वो blunt pin है मतलब वो sharpना नहीं है और दूसरी figure में जो pin है वहाँ पे यहाँ पे sharpना pin है तो यहां पे हम सेम अमाउंट का भी फोर्स लगाएंगे तो सार्पन जो एज वाली पिन है वो अंदर जाएगी लेकिन जो ब्लंट पिन है वो नहीं जाएगी दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज एक्ट तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज एक्ट वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वेट क्या है वेट इज अ वन टाइप्स ऑफ फोर्स है लेकिन वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ऑब्जर्व द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ब्रिक ऑन द ग्राउंड यहां पे देखो एक ब्रिक है उसकी पोजिशन और दूसरी ब्रिक है दोनों की जो पोजिशन है वो यहाँ पे अलग अलग पोजिशन में सिचुएटेड है तो यहाँ पे क्या बोथ द ब्रिक एक्सल्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैव द सेम वेट बट टू ब्रिक एक्सल्ट अ डिफरेंट प्रेसर ड्यू टू द डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विथ द ग्राउंड यहाँ पे क्या है दोनों ब्रिक जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं मतलब ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहे वो सेम है मतलब कि उनका जो दोनों का वेट है वो यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे जो एरिया उन्होंने कंज्यूम किया है सरफेस पे वो डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर जनरेट होगा मतलब कि दोनों ब्रिक अलग अलग अमाउंट का प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर रहे है अलाइंग ब्रिक एक लाइंग ब्रिक है अलाइंग ब्रिक फर्स्ट वन अलाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड वेर एज द्रिक एक्सर्ट अ मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड डेर फोर द प्रेसर इज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स फर्स्ट वन फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड वन इज एरिया ओवर विच इट इज एक्ट तो हम कहेंगे कि यहाँ पे दोनों ब्रिक अलग अलग अमाउंट का प्रेशर लगा रहे हैं तो जो प्रेशर है वो या आपको याद रखना है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वन इज फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड वन एरिया ओवर वीच इट इज एक्ट From this discussion, we can say that pressure is the force acting perpendicular on a unit area of an object. This is a definition of pressure. How can we define this pressure? Pressure is the force acting perpendicular on a unit area of an object. So from this discussion, we can write down the equation pressure is equal to force of an area. Pressure is इंडिकेटेड with कैपिटल P, फोर्स is इंडिकेटेड with एफ एंड एरिया is इंडिकेटेड with ए सो वी कैन राइट that पी इज इक्वल टू एफ upon ए तो so, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेशर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं न प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर इट इज ऑनली अ स्केलर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड का ही इम्पोर्टेंस है डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया Force is a vector quantity, but still pressure is a scalar quantity because it does not have any particular direction. Now, think of a point inside the liquid or a gas in a tank. Pressure at that point acts in all directions. That is through 360 degree. Therefore, the pressure cannot be assigned a specific direction, and hence it is a scalar. ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है वो किसका है वाई प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी अगर आप एक टैंक में कोई लिक्विड या गैस भरा है तो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में मतलब 360 डिग्री में लगेगा तो यहाँ पे प्रेशर की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है डेट्स वाई प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एट द सेम टाइम इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस then the resulting force is a vector quantity since it has a direction of effect of pressure on the surface. the pressure exert a force on the wall of container of a liquid or a gas. pressure जो है वो force लगाएगा किस पे? अगर कोई container में gas या liquid भरा होगा तो pressure किस पे लगेगा? जो container की wall है उस पे pressure force लगाएगा ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन इनटू मीटर एज टू माइनस टू और उसका जो दूसरा यूनिट है ऐसा यूनिट उसको हम क्या बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक हम क्या बोलेंगे पास्कल और इसको पी कैपिटल स्मॉल ए से इंडिकेट करेंगे प्रेशर कैन ऑल्सो भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट अभी प्रेशर है उसको हम थ्रस्ट के टर्म्स में भी इंडिकेट और डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट क्या है थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंटिकुलर टू द सरफेस तो जो फोर्स बॉडी को परपेंटिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट थ्रस्ट इज अ वन टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंटिकुलर टू इट्स सरफेस डेट्स वाई वी कैन डिफाइन दैट अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपन यूनिट एरिया और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया बोथ आर वैलिड सो इफ आई हैव टू डिफाइन थ्रस्ट एंड रिलेशन बिटवीन अ प्रेशर देन प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपन एरिया everyday observation on the basis of pressure one school bag have a white strap sharp knife cuts better than a blunt knife tip of needle is made a sap. pressure of the ground is more when a man is walking than when he is standing depression is much more when a man is stand on the cushion than when he is lies down or sits on it the tractor have a broad tire so that there is a less pressure on the ground and the tire do not sink into comparatively soft ground in the field it is easier to walk on a soft stand if we have a flat source. फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड डैम्स आर लेट ब्रॉड एट द बॉटम टू डिक्रीज द प्रेशर तो प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए ये जो एवरी डे ऑब्जर्वेशन है हमारे उसके रिगार्डिंग मैंने डिस्कशन आपको किया नाउ अभी हम बात करेंगे प्रेशर इन अ फ्लूट्स सॉलिड ऑब्जेक्ट तो प्रेशर लगाता ही है लेकिन जो फ्लूड होगा उसमें भी प्रेशर जनरेट होता है द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूड तो जो भी सब्सटेंस फ्लो हो रहा है उसको हम फ्लूड कंसीडर करेंगे फ्लूड में हम गैस को भी कंसीडर करेंगे फ्लूड में हम लिक्विड को भी कंसिडर करेंगे ऑल द लिक्विड्स एंड गैस आर अ फ्लूड्स लाइक अ सॉलिड इट एक्सर्ट अ प्रेशर ड्यू टू ड्यू टू देयर वेट सॉलिड अपनी वेट के कारण प्रेशर लगाता है लिक्विड ऑल्सो अ प्रेशर। तो लिक्विड का भी कुछ ना कुछ वेट होता है उसके कारण लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं बट अ फ्लूड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन फॉर एग्जांपल साइडवर्ड डाउनवर्ड एंड इवन अपवर्ड तो जो सॉलिड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है परपेंटिकुलर डायरेक्शन में जबकि जो फ्लूड होता है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है साइड डायरेक्शन में साइडवर्ड डाउनवर्ड और इवन अपवर्ड डायरेक्शन में नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग विद द प्रेशर इन अ फ्लूड इज बोएंसी बोयांसी किसे कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड द लिक्विड इज एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट इट इज कॉल्ड एज अ बोयंसी जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड पे रखेंगे तो लिक्विड जो है जो ऑब्जेक्ट तो फोर्स लगाए गए प्रेशर लगाए गए लेकिन जो प्रेशर लिक्विड लगाता है ऑब्जेक्ट पे अपवर डायरेक्शन में तो ये जो अपवर फोर्स है उसको हम बोन्सी बोलेंगे दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ये आपको याद रखना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स इट इज कॉल्ड एज एन बोन्सी इट इज ईजी टू लिफ्ट अ स्टोन एज लॉन्ग एज इट इज़ इनसाइड द वॉटर बट फील्स हैवी इफ इट इज लिफ्टेड अबोव अ वाटर अगर कोई स्टोन पानी के अंदर है तो पानी के अंदर जो स्टोन है उसको लिफ्ट करना ईजीली है कंपेयर टू द अगर वो पानी के ऊपर होगा क्योंकि जो लिक्विड है वो अपवर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो उतना रिड्यूस हो जाएगा इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पानी में से ऊपर लाना इजी है कंपेयर टू वो पानी के ऊपर होगा अ मग ऑफ वाटर इनसाइड द वाटर अपीयर्स लाइटर बट इट फील्स हैवियर व्हेन लिफ्टेड अबउ द वाटर तो एक मग ऑफ वाटर है अगर हम इनसाइड ऑफ वाटर हम उसको लिफ्ट करेंगे तो वो हल्का लगेगा और जैसे ही वो पानी के ऊपर आएगा वो भारी लगेगा देर फोर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी वेन सबमर्ज इन अ लिक्विड देन दे आर इन अ एयर तो क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो वो ऑब्जेक्ट एयर के कंपेयर में वो लाइटर लगता है दिस शोज दैट एवरी लिक्विड एक्सल्ट एंड अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इट अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में इंसर्ट करेंगे तो वो जैसे ही पानी में जाएगा तो वो लिक्विड में जाएगा तो वो हल्का लगेगा दिस टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इट इज कॉल्ड एज अ बोयसी फोर्स तो बोएंसी फोर्स को कैसे हम इंडिकेट करेंगे दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इट इज कॉल्ड इज अ बोयसी ये आपको याद रखना है कोई भी लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में अपवर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पे तो उस फोर्स को हम बोएंसी फोर्स कहेंगे ना नेक्स्ट इज अ बोएंट फोर्स अभी हमने बात की बोयंसी की अभी हम बात करेंगे बोयंट फोर्स ना वॉट इज दिस बोयंट फोर्स द अपवर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड एज अ बॉय फोर्स तो जो भी अपवर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है ओके okay, तो उसको हम बॉय फोर्स कहेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप थ्रस्ट तो अपवर डायरेक्शन में जो थ्रस्ट लग रहा है उसके लिए ये बॉयड फोर्स को अप थ्रस्ट भी बोलेंगे नाउ नेक्स्ट इज अ कोज ऑफ दिस बॉय फोर्स व्हाट इज द कोज For this buoyant force, figure may abdek sakte ho. when a mug is inside the water, the pressure from the side are equal and no net force is available. But the pressure at the bottom of the mug is more due to this more depth of water, is less at the top due to the less depth of water. डिफरेंस इन द प्रेशर एक्सर्ट नेट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज अब्रस्ट और बॉयंस फोर्स द मग यूजली मेड ऑफ अ प्लास्टिक लाइटर देन द वॉटर इज पुस्ड अप ड्यू टू दिस अपथ्रस्ट फोर्स अभी ये हमने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में करते हैं जब भी हम प्लास्टिक का मग होता है उसको पानी में रखेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है लेकिन जब उसमें वाटर डालते हैं ओके तब फिर वो और उस पर फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड तो ही वो मग पानी से भरा हुआ मग जब तक हम फोर्स लगाएंगे तब तक वो पानी के अंदर रहेगा जब से वो फोर्स हम निकाल लेंगे तो सीधे पानी के ऊपर आ जाएगा सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ बोयन फोर्स नाउ सिंपल वन एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बॉय फोर्स नाउ यहां पे वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज सिक्सटी जी डब्ल्यू टी ओके अभी यहां पे एक एयर में कोई ऑब्जेक्ट यहां पे यह ऑब्जेक्ट है एयर में उसका वेट कितना है सिक्सटी नाउ नेक्स्ट अभी वही वेट को हम धीरे धीरे पानी में पार्शियली इमर्स करेंगे तो एयर में जिसका वेट सिक्सटी था जैसे हम पानी में उसको इनसे इमर्स करेंगे पार्शियली इमर्स करेंगे थोड़ा पानी में उसको हम जाने देंगे तो उसका वेट रिड्यूस होके कितना हो जाएगा फिफ्टी जी डब्ल्यू टी हो जाएगा अभी वही वेट को हम ज्यादा पानी में इमर्स करेंगे वेट ऑफ द बॉडी उसको फुल्ली इमर्स कर दिया पूरा का पूरा वेट है उसको पानी में फुल्ली इमर्स कर दिया तो अब उसका जो वेट है वो एयर में सिक्सटी था पार्सल इमर्स किया था तो फिफ्टी अब उसका वेट हो गया फोर्टी जी डब्ल्यू टी फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल वी कैन से डैट जैसे जैसे हम वो बॉडी का वेट जितना पानी में ज़्यादा इमर्स करेंगे उतना उसका वेट कम होता जाएगा क्योंकि वो पानी उसके अपोजिट अपवर डायरेक्शन में थ्रस्ट लगा रही है हियर द फैक्टर अफेक्टिंग टू द बोएड फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉय फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड इज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड तो पहला जो फैक्टर बॉय फोर्स पे अफेक्ट करेगा जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना वॉल्यूम है कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम इमर्स कर रहे हैं पानी में अगर पार्शियली कर रहे हैं फुल्ली कर रहे वन वन हाफ़ कर रहे थ्री बाय फोर्थ कर रहे कितना कर रहे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं उस पर बॉय एंड फोर्स डिपेंड करेगा सेकंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सभी लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होगी पानी की अलग होगी कैरोसिन की अलग होगी डीजल की अलग होगी तो कौन सा लिक्विड है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे बॉयन फोर्स डिपेंड करेगा एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स इनसाइड द लिक्विड इज इंक्रीज द अपथ्रस और द बॉयन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज जितना वॉल्यूम बॉडी का हम पानी में या लिक्विड में इमर्स करेंगे उतना अपथ्रस मतलब के बॉयन फोर्स इंक्रीज गया वेन द सॉलिड इज फुल्ली इमर्स द बॉय फोर्स बिकम अ मैक्सिमम जब कोई बॉडी सॉलिड बॉडी फुल्ली इमर्स कर देंगे तब बॉय एंड फोर्स मैक्सिमम उस पर लगेगा द बॉय एंड फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम बट नॉट द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट वो सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा दैट इज इफ टू बॉल ऑफ इक्वल साइज बट ऑफ डिफरेंट मेटल आर इमर्स इन द लिक्विड बोस्ट ऑफ दम एक्सपीरियंस द सेम बॉय एंड फोर्स तो यहाँ पे ये दो अलग अलग मेटल के बॉल अगर हम लिक्विड में इमर्स करेंगे तो दोनों बॉल पे सेम बॉय फोर्स लगेगा दोनों का अगर मटेरियल अलग होगा तो भी सेकंड लिक्विड हैविंग अ हायर डेंसिटी एक्सर्ट मोर बॉय फोर्स तो जो भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा बॉय फोर्स लगेगा देन द लिक्विड हैविंग अ लोअर डेंसिटी इट इज ईजियर टू स्विम इन अ सी वाटर दैन इन अक तो यहाँ पे क्या है कि जो सी वाटर है उसमें स्विम करना ईजियर है कम्पेयर टू द लेक वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर वेर कंपेयर टू द लेक वाटर तो यहाँ पे सी वाटर की जो डेंसिटी वो ज्यादा होती है जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना बो एंड फोर्स ज्यादा लगेगा इवन एंड आयन ब्लॉक कैन फ्लोट ऑन अ मर्क्यूरी बिकॉज ऑफ इट्स मर्क्यूरी हैज अ हाई डेंसिटी अभी अगर हम मर्क्यूरी में आयन का ब्लॉक भी रखेंगे तो भी वो आयन का ब्लॉक मर्क्यूरी पे तैर लेगा क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थर्स प्रेशर and the buoyant force and the different factor affecting to the buoyant force thank you thank you very much